गडकरी जी ने कहा हमें नहीं पता था, माननीय अध्यक्ष महोदय हमें नहीं पता था, 10 मिनट बचे हैं। उन्होंने कहा कि 1500 करोड़ रुपए 1800 करोड़ रुपया आपके वहाँ 3 साल से पड़ा है, ये गडकरी जी ने कहा। मैंने नहीं कहा कि जयराम ठाकुर जी के जो काम है वो उनकी सड़कें आपने भेजनी है, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ। उन्होंने ऑफिशियली कहा डिले के कारण जो करप्शन होती है, डिले के कारण जो राज्य में नुकसान होता है, अगर हम उसको भी रोक दें तो 20% हमारे को उसका फायदा हिमाचल की जनता को मिलेगा। पानी के रूप में बहता हुआ जो सोना है वो हमें मिलेगा। इस दृष्टि से हमने बिल पास किया, क्योंकि जो वाटर सेस लगाने के रूल्स है उसको अप्रूव किया जाए और उस दृष्टि से हम आगे बढ़े। मेरे पास जो परिस्थितियां पैदा हुई उस समय के हालात को देखकर उन परिस्थितियों को कैसे निपटा जाए, हमने सभी अधिकारियों से बात की, बात को समझा और हमने एक फैसला किया कि अभी इन संस्थानों को अगर हम खोलते हैं तो हमारा प्रदेश उस स्थिति में पहुंच जाएगा जो कभी श्रीलंका की स्थिति हुआ करती थी, लेकिन हम उससे संभले। और इस दृष्टिकोण से हमने कार्य करना शुरू किया। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपया हमने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का जो 6th पे कमीशन है उसमें पेंशन भोगी भी है, अधिकारी भी है, कर्मचारी भी है, उनका देना है। आज आप उस पक्ष में बैठे, हम इस पक्ष में बैठे हैं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमने किस दिशा की ओर बढ़ना है। 992 करोड़ रुपए का डीए की किस्त, महंगाई बढ़ रही है, गैस का सिलेंडर कितना बढ़ चुका है, जो ओपन मार्केट में दालें हैं वो बहुत बढ़ चुकी है। हम सरकारी कर्मचारी जो बेचारे हमारे दिन रात मेहनत करते हैं, अधिकारी करते हैं, उनको हम डीए की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। नया बजट आया और हमने 100 दिन में अपनी सरकार ने कड़े फैसले लेने का निर्णय किया। सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी विधायकों से हमारी चर्चा हुई। पहले ये देखा गया कि हमें रिसोर्स कैसे मोबिलाइजेशन करना है। अभी नए बजट में हम 6 महीने तो सरकार चला सकते हैं, खूब खर्चा कर सकते हैं, 9 महीने खर्चा कर सकते हैं, पर उसके बाद की क्या स्थिति रहेगी। जो हमको जीएसटी से कंपनसेशन मिलना है अध्यक्ष महोदय, जून 2022 के बाद जीएसटी का जो कंपनसेशन था उसका मुआवजा बंद हो गया। इन्हीं के समय जो हमको भारत सरकार से कंपनसेशन मिलता था पूर्व भारतीय, वो जून 2022 के बाद बंद हो गया। और जो राजस्व घाटा था, केंद्र सरकार से मिलने वाला जो राजस्व घाटा अनुदान 2022-23 में 9,370 करोड़ से घटते घटते जो राजस्व घाटा केंद्र सरकार हमारी पूर्ति करती थी वो घटते घटते 25-26 में मात्र 3,257 करोड़ रुपए रह जाएगा। यानी कि 6,000 करोड़ हमको 2025-26 में जो राजस्व घाटा का अनुदान हमें मिलता था वो भी मिलना बंद हो जाएगा 25-26 में। इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े, हमारे पास हमारी जनता पर, हमारी सरकार पर, हमारे सभी सभागार में बैठे विधायकों पर 75,000 करोड़ का ऋण है, कैसे आगे बढ़ा जाए। हमने बजट में भी ये दिशा दिखाने की कोशिश की है। हमारे पास संसाधन कम है लेकिन संसाधनों का उचित इस्तेमाल करके जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप उतरा जा सकता है। और हमने प्रयास किया, सबसे पहला प्रयास मैंने वाटर सेस के रूप में हमने स्टडी किया। वाटर सेस उत्तराखंड में, सिक्किम में और आपके जम्मू कश्मीर में पहले से लागू है। चर्चा हुई कि नहीं कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं आएगा, सभी प्रकार से चर्चा आते हैं, संवाद होता है, विषय रखे जाते हैं कि कोई नहीं आएगा और जो प्रोजेक्ट लगने हैं उसमें भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हमने फिर कड़ा फैसला किया कि जो 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है उन 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाएगा। जबकि उप मुख्यमंत्री ने खुद कहा, उस समय प्रतिपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रात को 2 बजे साइन करने की क्या जरूरत थी। जरूरत थी, उप मुख्यमंत्री ने रात को 2 बजे इसलिए साइन किया, उन्हें पता था कि हमारे पास आय नहीं है, अगर आज हम एक एक मिनट साइन करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। इस जरूरत के तहत हमने वाटर सेस का बिल लाया और मुझे खुशी इस बात की है, मैं जब अभी सूरत गया था तो राजस्थान सरकार ने, जो कि बीबीएमबी पार्टनर है, उसने स्वीकार कर लिया कि जो आपने वाटर सेस लगाया है
उसको हम अध्ययन करने के बाद और उस पर जो उचित मुआवजा बनेगा उस उचित मुआवजे को हम आपको देंगे। ये उन्होंने स्वीकार किया। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने सोचा कि पानी पर सेस लगा दिया, उनको उनसे मैंने बात की और उस बात में हम आगे बढ़े और उनको भी हमने समझाया और आगे की बैठकें का दौर हमारा जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी एक प्रयास किया था जिसमें हमारे को पार्टनर स्टेट बनाने के लिए बीबीएमबी का अनुरोध उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन हम अभी बीबीएमबी में पार्टनर स्टेट नहीं है और हरियाणा जो सरकार है उनसे अभी हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मैं उनसे भी बात करूंगा। हम क्यों बात कर रहे हैं? ताकि हिमाचल प्रदेश के जनता को जो हमारा हक है, पानी के रूप में बहता हुआ जो सोना है, वो हमें मिले। इस दृष्टि से हमने बिल पास किया और पिछली अभी कैबिनेट थी, दो तीन दिन बाद कहते कैबिनेट हुई। मैं देख रहा था कुछ लोग लिख रहे थे कि हर तीसरे दिन बाद कैबिनेट हो रही है। वो कैबिनेट इसलिए की गई थी क्योंकि जो वाटर सेस लगाने के रूल्स है उसको अप्रूव किया जाए और उस दृष्टि से हम आगे बढ़े। और आने वाले एक महीने के अंदर 172 जो हमारे पावर प्रोजेक्ट है जो हाइड्रो जनरेशन करते हैं उसमें वो जनरेशन का टैक्स लगेगा। और ठीक है, कहीं जगह ऑब्जेक्शंस होते हैं कि वो जिनका जिनका पावर प्रोजेक्ट पर लगता है उसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, समझदारी से हम आगे बढ़ेंगे और कुछ कम करने की जरूरत होगी। उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार का खुला मन है। फिर आई एक्साइज पॉलिसी की बात। एक्साइज पॉलिसी में क्या था, 10% इंक्रीज हो रहा था। 10% इंक्रीज के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको ओपन किया जाए और देखा जाए, और उसको हमने देखा। हम आपकी सरकार पर कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन हमने देखा और मुझे खुशी है कि 40% की जो हमारे ठेकों की नीलामी हुई है, कहां 10% और कहां 40% ठेकों की नीलामी से हमें आय बढ़ी। जब स्थिति ऐसी गंभीर हुई कि अगले महीने फरवरी के महीने में या जनवरी के महीने में हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होंगे कर्मचारी और अधिकारियों की, तो हमें सत्ता में आने का क्या फायदा होगा? हम लोगों को अपना कर्तव्य से पीछे हट रहे थे। हमने डीजल पर जो आपने 7 रुपए 3 रुपए हमने उसमें कम की, जो इन्होंने 7 रुपए लगाए थे उसमें से 3 रुपए हमने उसको बढ़ा दिया, और आज भी डीजल उत्तराखंड पंजाब हरियाणा और जम्मू कश्मीर से सस्ता मिल रहा है। हमने क्यों ये फैसले किए? हम भी चाहते रूटीन में बैठते, हम भी चाहते रूटीन में अच्छा हम उचले रहते, लेकिन ये राज्य ज्यादा दिन तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता और इस दृष्टि से हम आगे बढ़े। आज हम ये कह सकते हैं कि हम स्थिति में सुधार कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था अगर हमने सही ढंग से अच्छे ढंग से हमने फैसले किए तो आने वाले 4 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। ये मैं नहीं कहता, कोई भी कंसल्टेंट अपॉइंट कर लो, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हम मेरे से ज्यादा जानते हैं, ये वित्त मंत्री भी थे, कि क्या हालात है हमारे प्रदेश की। और 10 साल में हमारा प्रदेश सुंदर प्रदेश बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर हमने बिजली प्रोजेक्टों का हाल जानना चाह। ऊल प्रोजेक्ट जो 15 साल से बन रहा है, 20 साल से बन रहा है, उसकी एक यूनिट हमें 23 रुपए में पड़ रही है। शोंगटंग प्रोजेक्ट जो हजारों करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिया, कि जब उनसे मीटिंग हुई प्रेजेंटेशन दी गई चर्चा आई तो बोला जी 2027 में ये पूरा होगा। ऊल प्रोजेक्ट हमारा जिसका पेन स्टोक ही फट गया, कहा कि जो स्टील आनी है वो गैल्वेनाइज्ड कोई ऐसी स्टील आएगी जिसको टाइम लगेगा। सुंदर ठाकुर जी हमारे वहां गए, उन्होंने स्टडी किया, शोंगटंग में जगत नेगी जी भी गए, किन्नौर का प्रोजेक्ट था, अधिकारी भी गए। और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो टाइमलाइन उन्होंने 2027 की थी, हम मार्च 2025 में शोंगटंग को पूरा करेंगे और 1000 करोड़ रुपए की आय उससे पैदा करेंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन है। ऊल में अभी 3 दिन पहले सुंदर ठाकुर जी जाकर आए, 15 साल से वो प्रोजेक्ट बन रहा है, पूरा ही नहीं हो रहा है। और मैंने आज ही इनसे बात की, अधिकारियों से भी बात की और उसकी प्रेजेंटेशन ली। इन्होंने कहा
कि ये प्रोजेक्ट जो है 2027 में बनेगा, सिर्फ पेनस्टॉक बनना है। हमने कहा नहीं, एक साल के अंदर बनना चाहिए, ये व्यवस्था परिवर्तन। और हमने नियमों में भी ढील देने की बात आएगी, हम उन नियमों में ढील देंगे। हमारा मकसद ये है कि हम जो भी चीज बनाए, चाहे सड़क बनाए, चाहे बिल्डिंग बनाए, चाहे पावर प्रोजेक्ट बनाए, चाहे सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाए, वो समय के अनुसार पूरे होने चाहिए, समय से पहले पूरे होने चाहिए। उसमें 4 पैसे अगर ज्यादा देने की जरूरत है तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हमारा एक बिल्डिंग, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की मंडी की कॉलेज की बिल्डिंग 27 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, 5 साल से नहीं बनी। अगर यही बिल्डिंग समय के अनुसार बनती तो ये 30-35 करोड़ रुपए में बनती, अब उसमें और 13-14 करोड़ रुपया लगेगा। डिले जो है, डिले के कारण जो करप्शन होती है, डिले के कारण जो राज्य में नुकसान होता है, अगर हम उसको भी रोक दें तो 20% हमारे को उसका फायदा हिमाचल की जनता को मिलेगा। अगर 20% अगर उस जो रेट मिलता है उसको हम 10 पैसे ज्यादा भी देते हैं और जल्दी काम खत्म होता है, तो उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी सरकार हमेशा प्रयास कर रही है, यही नहीं अध्यक्ष महोदय, सब प्रकार से हम कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि इनका किसी का दोष है, लेकिन 5 साल में बहुत बड़ा नुकसान आप लोगों के कारण भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बिजली क्या होती है, हमारे पास एक ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड लाइन बनाई, मैंने जब उनका अध्ययन किया, चर्चा की, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास, कहते आप हमने 2000 करोड़ का ऋण लिया है और हम ट्रांसमिशन बना रहे। पता करने पर पता चला कि वो तो कोई डेडिकेटेड लाइन बना ही नहीं सके, वो तो सिर्फ ज्वाइंट लगाते हैं, यहां से इसको पहुंचाना, उसके साथ पहुंचाना, उसके साथ पहुंचाना। हमने स्टडी किया कि हम प्रोजेक्ट लगा भी लें और ट्रांसमिशन की लाइन ही ना हो तो उन प्रोजेक्ट्स का क्या फायदा है। और हुआ भी ऐसा, कई जगह प्रोजेक्ट बन गए, प्रोजेक्ट बनने के 6-6 महीने बाद ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं बनी, तो प्रोजेक्ट बनाने का फायदा क्या हुआ। तो हमने ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को भी अध्ययन कर रहे हैं, जल्दी ही हम उसमें भी महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी सर्दियों में हम सर्दी जो बिजली सर्दियां जब होती है अक्टूबर से मार्च के सीजन में, जब लीन सीजन होता है, तो हमने एक बैंकिंग आधार बना दिया कि बैंकिंग आधार है, गर्मियों में हम उन राज्यों को बिजली देंगे जिन राज्यों में बिजली की कमी होती है, और सर्दियों में वो राज्य जब हमें बिजली की जरूरत होती है हमें बिजली देंगे। हम इस व्यवस्था का भी स्टडी कर रहे हैं। हमने कहा कि सर्दियों में अगर हम 200 मेगावाट बिजली बनाते हैं सोलर से, तो हम 600 करोड़ रुपया बचाएंगे, लान लेनी और भी पड़ेगी, क्योंकि सर्दी में अक्टूबर से मार्च तक हिमाचल की जनता, जिसमें 125 यूनिट फ्री बिजली है, और हमने अगर 300 यूनिट करनी है आगे, हम जो आगे करनी है, तो 125 यूनिट बिजली को बुला के 7-8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम सर्दी में खींचते हैं। हमने उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए उस पर स्टडी कर रहे हैं, और आपको मैं बताऊं अध्यक्ष महोदय, इन 100 दिन में हमने 40 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का टेंडर भी कर दिया, और आज टेंडर भी खुल गए होंगे। हम अक्टूबर तक 200 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, ताकि हिमाचल की जनता के जो 600 करोड़ रुपए आ रहे बाहर जाते हैं उसको हम बचाएं। हम शोंगटंग प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा करेंगे, ताकि जो 1000 करोड़ रुपए हमें आना है उसको हम जनता की सेवा में लगाएं, ये हमारा मकसद है। हम उन प्रोजेक्ट को 1 साल के भीतर पूरा करेंगे, क्योंकि हम कर्म करने में और कार्य करने में विश्वास रखते हैं, यही व्यवस्था परिवर्तन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, और पिछले 10 सालों से हम कभी 12वें स्थान पर खिसक रहे हैं, कभी 13वें स्थान पर खिसक रहे हैं, अगर हमने अपने प्रदेश को सही दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़ाना है, आपका भी साथ चाहिए, भारत सरकार से योजनाओं से भी आपकी मदद चाहिए,
हम तो कहते हैं कि आप साथ चलिए। 100 दिन में सरकार ने, जो पिछले 3 साल में पिछली सरकार नहीं कर सकी, हमने 1 महीने में NHI का, जो डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों में 500 करोड़ FD बनाकर जमा था, हमने 1 महीने में 1236 करोड़ रुपया लोगों को अवार्ड किया और अर्थव्यवस्था में लाया। ये सरकार कार्य करने में विश्वास करती है। 1236 करोड़ रुपया लोगों का अवार्ड था, जो DC वगैरह रखे अपने बैंकों में रखे थे, उसके इंटरेस्ट से खर्चा करते थे। आपका NHI का था, कोई योजना को कोई सिरे नहीं चढ़ाएगा। हमने बोला कि आपने क्यों रखा है, चलिए ये आप कह लिए, कोई शेड्यूल नहीं था उनका। उनका उनका 5-2 साल से अभी भी वार्ड है, अभी भी 600 करोड़ रुपया है, कोई शेड्यूल नहीं था, काम करने की नीयत नहीं थी। हमने शिमला मोटर पे गडकरी जी ने कहा, गडकरी जी ने कहा, हमें तो पता भी नहीं था। गडकरी जी ने कहा, हमें नहीं पता था, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें नहीं पता था। 10 मिनट बचे। उन्होंने कहा कि 1500 करोड़ रुपए, 1800 करोड़ रुपया आपके वहां 3 साल से पड़ा है। ये गडकरी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। मेरे को पता लगा, मैं तो फर्स्ट टाइम उनसे मिलने गया। उन्होंने ये भी कहा कि जयराम ठाकुर जी के जो काम है वो उनकी सड़कें आपने भेजनी है। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, उन्होंने ऑफिशियली कहा। हमने बोला बिल्कुल करेंगे हम, ओपोजिशन का तो मैंने बोला हम ज्यादा ख्याल रखते हैं, आप तो हमसे भी ज्यादा ख्याल रखते हैं। मुख्यमंत्री जी रिप्लाई दे देते, उसके बाद फिर बोलते हैं कि आप फिर बोलिए, और अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं, नहीं 1200 व्यवस्था व्यवस्था परिवर्तन की बात बोल रहे मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कहना चाहता हूँ, वो 1236 करोड़ रुपया लोगों की जेब से जब आएगा तो लोग कुछ ना कुछ खरीदेंगे, वो और इकोनॉमी में आएगा और उसकी GST से हमको आय होगी। आप भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सब व्यवस्थाओं के बावजूद मेरा मन बड़ा विचलित है कि कैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए क्योंकि आपने बोला 2 मिनट में 5 मिनट में करो, मैं हमने बजट प्रस्तुत किया, कोई भी अंश भारत सरकार के बजट से अभी तक इसमें कोई हमारे बजट में नहीं है, कोई भी अंश। मैं ये आपके सदन में कह रहा हूं, ये बजट हिमाचल के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से पेश किया गया, ये बजट हिमाचल के वातावरण जलवायु उसको ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया, सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में, क्योंकि हम पहाड़ी प्रदेश के लोग हैं, पहाड़ों में हमारे छोटे से ही चीज से संतुष्ट हो जाते हैं, हमने उसको देखकर प्रस्तुत किया। फिर भी मैं मानता हूं कि जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति यहां मजबूत नहीं है, मैं चाहूंगा इस सदन के मन से कि हमारी सरकार इस पर जल्दी एक व्हाइट पेपर जनता के सामने लाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।